1876 में रिचर्ड डॉकिंस की किताब छपी। किताब का नाम था द सेल्फिश जेन। इसी किताब में जन्म हुआ मीम शब्द का, वही मीम जिसे आज हम इंटरनेट पे धड़ल्ले से शेयर करते हैं। लेकिन रिचर्ड के अनुसार विचारों और सांस्कृतिक घटनाओं के प्रसार को समझने में विकासवादी सिद्धांत को मीम कहते हैं। यह बात तो 1976 की है। जब सदी बदली तो मीम का मतलब भी। इंटरनेट वाले जमाने में मीम का मतलब एक ऐसा आइडिया या फिर मीडिया एक्टिविटी है जो कि मिमिक्री या फिर ह्यूमरस पर्पस से एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान या फिर वस्तुओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इमेज, वीडियो, GIF या फिर टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं। आप मीम को यूं भी समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर मीम कोरोना वायरस की तरह काम करता है। जहां कोरोना वायरस असल जिंदगी में फैलता जा रहा है, वैसे ही इंटरनेट पे मीम नेटिजंस के बीच वायरस की तरह फैल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन मीमर्स के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर मीमर्स हजारों रुपए जीत सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस कंपटीशन के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा पिछले हफ्ते विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है मीम मेकिंग कॉन्टेस्ट। इसमें आपको एनवायरमेंट डे के ऊपर एक मीम बनानी है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कंपटीशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस मीम कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस कॉन्टेस्ट का थीम है वैल्यूइंग आवर रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी थीम पर आपको मीम बनाने होंगे। इसके साथ दो सब थीम और दी गई है जिसके ऊपर आप मीम बना सकते हैं। पहला सब थीम है यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर, और दूसरा सब थीम है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंट टेक्निक्स एंड मेथड एक्सेट्रा। मीम को आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही शब्दों में डिजाइन कर सकते हैं। और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की आखिरी तारीख 25 जून है, जिसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ ही कई तरह की गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपटीशन में जीतने वाले को कितना कैश प्राइज मिलेगा। फर्स्ट विनर को 2500 रुपए, वहीं सेकेंड विनर को 1500 रुपए और वहीं थर्ड विनर को 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही टॉप 10 बेस्ट एंट्रीज को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कैश प्राइज के अलावा जो भी टॉप एंट्रीज होंगे उनको फीचर किया जाएगा सोशल मीडिया हैंडलर और वेबसाइट पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। आपके मीम की जो फॉर्मेट होगी वो JPEG या PNG या फिर SVG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप इसे PDF फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हैं। आपके मीम पर किसी भी प्रकार का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। इसका साइज 1080 पिक्सल वाइड होनी चाहिए और 566 पिक्सल से 1350 पिक्सल हाई होनी चाहिए। साथ ही आपका मीम ऐसा होना चाहिए कि जिसे सोशल मीडिया पर यूज किया जा सके। आपको बता दें, इस कंपटीशन में कोई भी इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है और इसके साथ ही किसी भी उम्र का व्यक्ति। साथ ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन फीस नहीं रखी गई है और यह कंपटीशन बिल्कुल मुफ्त है। आप अपने मीम को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और इसमें आपको अपना कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सारे गाइडलाइंस पढ़ डालें, टर्म्स एंड कंडीशन समझें और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और रियल लाइफ मीमर बने। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस कॉम्पिटिशन के अलावा कई और कॉम्पिटिशन्स जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन भी हो रहे हैं। आप इन सारी कॉम्पिटिशन्स की जानकारी माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।